जय हिंद पेंशन भोगियों, वन रैंक वन पेंशन से लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आ चुका है। लेटेस्ट अपडेट के साथ बताएंगे वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन। साथ ही एक बड़ा अपडेट और निकल के आया है पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट से, उस पर भी दिखाएंगे और काफी इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी, तो वीडियो को एंड तक देखे। और बता दें वन रैंक वन पेंशन पे रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो दो लेटर जारी हुए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही में सबसे बड़ा अपडेट, सबसे पहले गुड न्यूज आपको दे देते हैं। गुड न्यूज देने से पहले सभी पेंशन भोगी व पेंशन धारक भूतपूर्व सैनिकों को बता दें कि चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, क्योंकि सबसे पहले आपको अपडेट यहां मिलता है। जी हां, हम इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही बड़ी बड़ी सूचना और बड़ी खबरें देना चाहते हैं, तो आप बने रहें, बरकरार रहें चैनल पे और अंत तक देखें। सबसे पहले मैं आपको एक चीज से बता देता हूं जो कि बहुत ही आपके बेनिफिट के लिए है। पीसीडीए पेंशनर्स जितने भी हैं हमारे, पीसीडीए पेंशनर्स हैज डन एपीआई इंटीग्रेशन विद एसबीआई। पीसीडीए ने एक एपीआई इंटीग्रेशन किया है विद एसबीआई के साथ, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पर्स पेंशनर हैविंग देयर पेंशन अकाउंट विद एसबीआई। काफी पेंशन भोगियों का जो एसबीआई में अकाउंट रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आपका लाइफ सर्टिफिकेट झंझट खत्म, जी हाँ, लाइफ सर्टिफिकेट झंझट खत्म हो जाएगा अगर आप वीडियो को देख लेंगे एंड तक। साथ ही आपको बता दें कि वन रैंक वन पेंशन की अपडेट भी देंगे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पर्स पेंशन हैविंग देयर पेंशन अकाउंट विद एसबीआई कैन विजिट एनी ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अक्रॉस कंट्री फॉर सबमिटिंग अपडेटिंग देयर एनुअल आइडेंटिफिकेशन लाइफ सर्टिफिकेट। मतलब आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, राज्य में रहते हो, चाहे जिले में, तहसील में, गांव में, अगर आपके पास कोई भी लाइफ सर्टिफिकेट अगर आपने अभी तक नहीं भरा, कोई भी आपके पास एसबीआई का ब्रांच है, तो आप वहां जाके लाइफ सर्टिफिकेट इज स्टिल पेंडिंग, अगर अभी भी आपने वर्तमान स्थिति आपका पेंडिंग है, तो आर रिक्वेस्टेड टू विजिट नियर एसबीआई बैंक या ब्रांच। आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी। और बता दें कि ये खुशखबरी मैंने आपको सबसे पहले प्रोवाइड की है, इसलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि आपको वन रैंक वन पेंशन अथवा कोई भी आपका पीसीडीए कहां कैंप लगा रहा है, ईसीएचएस का कार्ड ब्लॉक करने से बचना, चाहे किसी भी तरह का आपको मिल जाए न्यूज, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी तो मिलेगी न्यूज, तो सब्सक्राइब करने वाले घंटी दबा ले। साथ ही बता दें कि ईसीएचएस कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर इनकम सर्टिफिकेट आपने बेनिफिशरीज का या फिर आपने अभी तक डिपेंडेंट्स का नहीं जमा कराया, तो आपको कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो ईसीएचएस कार्ड पे भी आप ध्यान दें। साथ ही वन रैंक वन पेंशन की अपडेट आपको दे देते हैं। देखिए ये आपसे आपके समक्ष अभी जो लेटर दिख रहा है वो लेटर है 4 जनवरी 2023 का, जो सेना भवन की तरफ से निकल के आया, डिपार्टमेंट ऑफ सर्विसमैन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी की तरफ से निकल के आया है, जो ये लेटर तीनों स्टाफ को भेज दिया गया है, द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ये तीनों को भेजने के बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसमें देख सकते हैं, नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन डिफेंस फोर्सेस फैमिली पेंशन अंडर वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी के ऊपर बहुत ही बड़ी बात बताई गई। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो आपको प्रॉब्लम है कि 2.6 में सर आपने क्या बताया बताइए। देखिए मैंने इसमें यही बताया था, जो भी हमारे पेंशन भोगी अपना डिस्चार्ज बुक निकाल के बैठे और तो वीडियो देखने के बाद डिस्चार्ज बुक निकाले और देखे कि आपको किस रूल से आप किस रूल नंबर वहां क्या दिया गया है। डिस्चार्ज बुक में अगर रूल आपका ये है तो आप रूल 16B ऑफ आर्मी का एक है, जो रूल 1954 और इक्विवेलेंट नेवी और एयरफोर्स रूल विल नॉट बी इंटाइटेड टू द बेनिफिट ऑफ ओआरओपी। आपको ओआरओपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपके पास भी ये रूल आपके दिया हुआ है, मेंशन किया गया है आपके डिस्चार्ज बुक में, तो ये चीज पे ध्यान दें। काफी पेंशन भोगी और पेंशन धारक भूतपूर्व सैनिकों को मैंने ये जानकारी पहले भी दी थी। आशा उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर कर लिया है तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।